हेलो गाइस, वेलकम टू डे होप। आई होप आप सभी का प्रिपरेशन बहुत ही बढ़िया चल रहा है। तो जैसे आप लोगों को पता है कि आज RRBPO का मेंस का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, एंड मेरे तरफ से उन बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो चुका है। आप लोग ड्रीम का और एक कदम नजदीक हो चुके हो, ठीक है। लेकिन उन बच्चों को भी मैं बोलना चाहूंगा जिन बच्चों का क्लियर नहीं हुआ है कि आप लोग डिमोटिवेट होके मत बैठिए, ठीक है। मुझे ये पता है कि आप लोगों ने कड़ी मेहनत किया था, आप लोगों का एक्सपेक्टेशंस भी था, तो कहीं ना कहीं पे आप लोगों ने थोड़ा सा गलती तो किया होगा, ठीक है। एंड वही गलती को अभी आप लोग सुधारे, एंड वही गलती को आप लोग रेक्टिफाई करें ताकि अपकमिंग एग्जाम्स में आप लोग सेम टू सेम मिस्टेक ना करें, एंड आप लोगों का भी मेंस क्लियर हो जाए। एंड मुझे पता है कि आप लोग ये चीज़ों को रेक्टिफाई जरूर करोगे, एंड अपकमिंग एग्जाम्स में आप लोगों का भी मेंस क्या होगा, क्लियर जरूर होगा, ठीक है। अभी जिन बच्चों का मेंस क्लियर हो चुका है उन बच्चों का माइंड में कई सारा डाउट्स है कि सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, बिकॉज 10 अक्टूबर से इंटरव्यू RRBPO का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। तो अभी इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, पेड कोर्स अगर लेना है तो पेड कोर्स लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर ले तो कहां से ले, बहुत कुछ सारा सवाल माइंड में चल रहा है, ठीक है। तो आज यही चीज़ों को आज आप लोगों से डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो वीडियो का एंड तक जरूर बने रहिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा ताकि जिन बच्चों का इंटरव्यू क्लासेस का रिक्वायरमेंट है वो इस वीडियो का भरपूर फायदा ले पाए, ठीक है। देखिए, जैसे आप लोगों को पता ही होगा कि आप लोगों का जो रिजल्ट आया उसमें मेंशन था कि 10 अक्टूबर से RRBPO का इंटरव्यू का क्लासेस स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। अभी बच्चों का माइंड में चल रहा है कि सर इंटरव्यू का प्रिपरेशन कैसे करें, कहां से करें, एंड किस तरह करना चाहिए, मैं तो फर्स्ट टाइम हूँ तो मैं किस तरह करूँ, इस तरह बहुत सारा सवाल बच्चों का माइंड में है, ठीक है। अभी देखिए, जो जितना भी बच्चों का RRBPO का मेंस क्लियर हुआ है उनमें दो कैटेगरी के बच्चे हैं। फर्स्ट, जो टोटली फ्रेशर है, आज तक कभी भी इंटरव्यू अपीयर नहीं किया है। दूसरा, सेकेंड, जिन बच्चों का एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी देखिए, जिन बच्चे टोटली फ्रेशर है, कभी भी इंटरव्यू अपीयर नहीं किया है, उन बच्चों को टोटली आपको चीजों के बारे में बताना पड़ेगा, चीज आप लोगों को उस चीजों के बारे में जानना पड़ेगा कि कोई भी एक इंटरव्यू से पहले इंटरव्यू के लिए किस तरह प्रिपरेशन करना चाहिए, किस तरह एक अब जब आप हायर ऑफिशियल से बात करोगे किस तरह आप बात करना चाहिए, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा होना चाहिए, जो कोई भी अगर क्रॉस क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चंस को अगर आपको नहीं आता है तो किस तरह डील करना चाहिए। तो हर छोटा छोटा चीज़ों को इन बच्चों को बारीकी से एक्सप्लेन करना पड़ेगा ताकि वो बच्चे वो एग्जाम में जाके या इंटरव्यू में जाके वो गलतियां ना करें। अभी इन बच्चों के लिए एक एडवांटेज क्या है कि ये बच्चों ने ऑलरेडी इंटरव्यू एक या दो या तीन बार फेस कर चुका है, तो बच्चों का कहीं ना कहीं पर एक्सपीरियंस है उन चीज़ों को फेस करने का, तो वही इनका क्या होगा, एक एडवांटेज होगा। लेकिन जो भी हो, अगर मैं बोलूं इंटरव्यू के लिए आपको कोई भी पेड कोर्स लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। अरे आप लोग बोलोगे सर तो हम लोग प्रिपरेशन कैसे करेंगे, कहां से हम लोग मटेरियल कलेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे। अभी देखिए, फर्स्ट बात मैं आपको बोलता हूं, जैसे आप लोग पता होगा कि LIC ADO से मैं इंटरव्यू का भी प्रिपरेशन करवाता हूँ बच्चों का, ठीक है। आप लोग मेरा प्लेलिस्ट में जाके मेरा वीडियो भी आप लोग देख सकते हो, मैंने WO का भी करवाया है एंड ADO का भी मैंने करवाया है। तो उसी को कंटिन्यू करते हुए मैं RRBPO का भी मैं इंटरव्यू का आप लोग प्रिपरेशन करवाऊंगा, ठीक है। इसका जो फी होगा वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, इसलिए मैंने आप लोगों को बोला है कि इस वीडियो को उस बच्चों तक जरूर पहुँचाइएगा जिनको इंटरव्यू का क्लासेस रिक्वायरमेंट है एंड जो लोग पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अभी आप लोगों का माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर तो इसको बैच को ज्वाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना पड़ेगा कि आप मैं डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, ज्वाइन करना है एंड वहां पे जाकर एक मैसेज कर देना है कि सर मुझे RRBPO का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करना है, बाकी मैं वहां से देख लूंगा, ठीक है। आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को जानकर बहुत ही अच्छा लगा कि आप लोगों का जो RRBPO का इंटरव्यू का प्रिपरेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी हो सकता है, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो जितना हो सके इस वीडियो को उतना ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, टिल देन गुड बाय एंड थैंक यू।